नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस समय की दोस्तों पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जारी रखें, बहाली जल्द आएगी तेजस्वी जी। पूरी अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे, आप देख सकते हैं। दूसरे चरण में 1,10,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है। मतलब ज्यादा समय अब आपके पास बचा नहीं है। सीटेट को लेकर क्या अपडेट है? देखिए दोस्तों, सीटेट का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला जो कि हमारा दिसंबर में होगा, और पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे सीटेट दिसंबर का पेपर देंगे उनको बीपीएससी में 6 से लेकर 8 वाली वैकेंसी में मौका मिल जाएगा। अब देखिए, एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। क्या शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है? ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ओवरलैपिंग की बात है, या देखिए अभी पहली बात तो कोई नया डाटा आया ही नहीं सामने कि कितने नियोजित शिक्षक थे, कितने बच्चे डीएलएड अपेयरिंग थे, कितने बच्चे सीटेट फेल हैं। अभी तक कुछ भी भैया बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया। मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल अभी नहीं देखने को मिल रही है कि कैसा रिजल्ट तैयार हुआ, क्या क्या हुआ उसमें। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, जब तक 7994 3 एक एक पद का सभी बच्चों का नाम डिटेल्स के साथ नहीं डाला जाएगा, तब तक बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि कितने बच्चे मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं और किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। देखिए, बिना नॉर्मलाइजेशन के फीमेल कैंडिडेट्स को मेल की सीट पर या 68+ पर नौकरी देना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मामला हाई कोर्ट जाने की तैयारी में, अगर मामला कोर्ट में चला जाता है तो नियुक्ति पत्र भी फंस सकता है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को मिल जाएगा भाई उनके तो किस्मत ही अलग है। ठीक है, जरा इस अपडेट को देखिएगा। शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में भीड़ अनियंत्रित हो गई, अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों ने जबरन घुसने में अफरा तफरी, 4:30 बजे लिंक फेल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई इतने ताबड़तोड़ यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। बहाली में देखिए क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षक का बीएड के आधार पर आया रिजल्ट अमान्य है। ठीक है, और जिन बच्चों का रिजल्ट मान लीजिए बीएड के आधार पर आ भी गया है तो वो रिजल्ट ठीक है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। स्कूलों में 3 दिन को योगदान देंगे 25,000 शिक्षक, 3 दिन आपको काम करना पड़ेगा। आपन बिहार नौकरी अपार तेजस्वी, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं, जी हाँ मानना पड़ेगा भैया, उत्तर प्रदेश में हमने इतनी शिक्षक भर्तियां देखी हैं, आपको रियल बात बता रहे हैं, 69,000 जैसी बड़ी बड़ी वैकेंसी, लेकिन ठीक है नौकरी मिलने में इतना समय लग गया ना कि हम आपको क्या बताएं। ये 269,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था, ऐसा रिजल्ट बीपीएससी को भी डिक्लेयर अभी करके हमें बताना चाहिए कि कितने बच्चे जनरल कैंडिडेट्स हैं, कितने बच्चे ओबीसी से थे, एसटी कितने कितने, एसटी से कितने थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद ही हमें बात पता चलेगी कि कितने बच्चों को ओवरलैप कराया गया, कितने बच्चे डीएलएड से थे, कितने बच्चे शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक थे। देखिए, बिहार में डीएलएड होंगे, नियोजित होंगे, बीएड होंगे, अदर्स होंगे, ये दोस्तों हमें क्लियर डाटा मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक रिजल्ट आएगा और उसके बाद देखिए फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ओवरऑल रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, 7994 3 पदों पर ऐसा रिजल्ट जारी करना चाहिए था कि कितने बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनका सिलेक्शन कैटेगरी क्या गया, ठीक है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था। हो क्या सकता है कि मान लेते हैं 68 नंबर किसी मेल कैंडिडेट का है, उसकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन किसी बच्चे का 68 नंबर पर नौकरी लग गई, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ वाली बात है। ठीक है, और पूरा एक जो रिजल्ट बनता है वो सॉफ्टवेयर पर आधारित है। एक बात बता दें आपको, याद रखिएगा, देखिए हमने भी वेबसाइट बना रखी है, हमने भी एंड्रॉयड ऐप बना रखा है, सब कुछ हमने बनाया है, लेकिन एक बात आपको बता दें, ये जो सॉफ्टवेयर होता है आप इस पर 1% भरोसा नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, अगर आपने दोस्तों सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी, जैसे इतने रोल नंबर यहाँ पर दोस्तों आपको सो रहे थे, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप जिसका भी चाहिए उसमें सिलेक्शन करा दीजिए, फिर बाद में आप पता है क्या बता दें, कह देंगे भैया वो तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से बच जाएंगे, क्योंकि धांधलियां कभी कभी ऐसी भी हो जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला हुआ था, आपको बता दें जो ये चयन सूची देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 6,800 पदों पर ओबीसी और एससी कैटेगरी में आरक्षण घोटाला हुआ था, अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं हुई, इन बच्चों को नौकरी अभी तक नहीं मिली। मतलब जो रियल में हकदार थे नौकरी पाने के, वो बच्चे आज दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रही है, वहां पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, जो भी आप बताइए कह दीजिए। ठीक है, तो ये सब बातें, तो सॉफ्टवेयर के आधार पर कुछ रिजल्ट आते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, क्योंकि वो एक एक रिजल्ट देखा नहीं जाता। जो ये रिजल्ट दोस्तों आया 7,72,000
ठीक है, लोगों को नौकरी मिली है बच्चों को, तो वो सॉफ्टवेयर के आधार पर मिली है। ठीक है, किसी ने मैनुअली एक एक रिजल्ट नहीं चेक किया होगा कि इसको नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। इतने कम समय में 72,000 लोगों को रिजल्ट देखना, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारा काम सॉफ्टवेयर से हुआ है। एक और खबर देखिए, 4,00,000 शिक्षक के अभिभावक हैं सीएम। ठीक है, सीएम अवश्य मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, आनंद जी कह रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 12 अक्टूबर को प्रारूप जारी कर एक सप्ताह में मांगा गया था सुझाव। लाखों शिक्षकों ने सुझाव भेजकर किया बिना शर्त राज्यकर्मी बनने की मांग। अगर दोस्तों देखिए, नियोजित शिक्षकों को डायरेक्ट ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता तो जो राज्यकर्मी कुछ ऐसे हैं जो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, उससे आपको फायदा मिलता है, वो इस वैकेंसी में सम्मिलित ना होते तो कुछ सीटें आपके लिए छोड़कर जाते हैं। जरा उसकी संख्या भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर बीपीएससी तैयारी में कुल 1,22,000 सफल अभ्यर्थियों में से लगभग 42,000 नियोजित शिक्षक तथा 18,000 अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, 42,000 नियोजित शिक्षक, अगर ये ना होते तो सब किसका सिलेक्शन होता, सभी फ्रेश कैंडिडेट का। अब ये नियोजित शिक्षक जो है ना, ये आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है, मतलब धोखा हुआ है। हम धोखा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे और इनकी सैलरी कितनी थी, लगभग 35,000 रही होगी, अब इनकी सैलरी 40,000 हो जाएगी, मतलब 5,000 के चक्कर में दोस्तों हजारों बच्चों का नुकसान हो गया। आज वो बच्चे नौकरी नहीं पा पाए, उन बच्चों का नाम चयन सूची में नहीं आया। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि आपन बिहार नौकरियां पात। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति की चर्चा की और कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, अब ताबड़तोड़ कोशिश करनी है। अब इसी बीच अतुल सर का जो ट्वीट है तो उसको भी दिखा दें। ऑल द रिमेनिंग टीआरई रिजल्ट्स हैव बीन सेंट टू एनआईसी फॉर अपलोडिंग ऑन अवर वेबसाइट। ठीक है, तो ठीक है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन दोस्तों जो इनका 20 अक्टूबर को भाई इनका आंसर आया था, सोल्यूशन आया था, इससे बच्चे नाखुश हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात इन्होंने क्लियर नहीं की। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जारी रखें, बहाली जल्द आने वाली है, इसको देख रहे थे दोस्तों, लेकिन सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 22 अक्टूबर 2023 की अपडेट है। ठीक है, जल्द ही नोटिफिकेशन का हमें इंतजार है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एक ही यूट्यूब चैनल से आपको सारी जानकारी दे दी जाती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक और सवाल वीडियो के अंत में देखेंगे। एक बात आपको बता दें, काउंसलिंग में ठीक है 928 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। 9 नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, शनिवार तक जिले में 928 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब तक 1 से 5वीं तक सामान्य विषय में 593 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वही उर्दू विषय में 177 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वही प्लस टू में 158 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो ताबड़तोड़ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। ठीक है, डीवी चल रहा है दोस्तों, तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब वेटिंग लिस्ट है कि नहीं, देखिए आप लोग के सवाल क्या है ना जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर देखते हैं। सवाल बच्चों का ये था, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। देखिए दोस्तों, दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए, ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती तो हमें पीआरटी में एक नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो अब आप लोग से पोलिंग करवाएंगे, तो सवाल वहाँ पर ये रहेगा कि क्या नई वैकेंसी के माध्यम से सीटें भरनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी करके सीटें भर देनी चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए इनको। ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम ये तब क्लियर होगी जब डाटा, ये रा डाटा क्लियर कराएंगे। महिला और पुरुष का अलग अलग कट ऑफ बनना चाहिए था। देखिए, नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत थी, महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला था। ठीक है, टोटल जैसे 779943 पद थे, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। उसके बाद जो 50% सीटें बची उसमें भी जो यूआर कैटेगरी के 20% सीटें थी उसमें भी महिलाएं आ गई। ठीक है, जिनके नंबर भाई उस क्वालिफाइंग नंबर में आ रहा है, तो हुआ क्या कि उनको ओवरलैप मेल कैटेगरी में करा दिया गया। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स की सीटें बची उसमें अदर फीमेल कैंडिडेट्स ने नौकरी लिया, इसलिए महिलाओं की नौकरी ज़्यादा लग गई, पुरुषों की कम लगी। तो ये दोस्तों पूरा मामला था, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे और मामला हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों जब पेपर कराने की बात थी, अगर बीपीएससी की, देखिए एक बात आपको बता दें, बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो जब बीपीएससी का 24 अगस्त को एग्जाम कराया गया था, ठीक है, शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 था,
तो शिफ्ट वन में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का पेपर क्यों हुआ? एक सवाल आपके मन में ही होगा, शिफ्ट टू में फीमेल कैंडिडेट्स का पेपर क्यों हुआ? ठीक है, यहाँ पर यह भी तो होता है कि पहले शिफ्ट में मेल प्लस फीमेल का होता है, सेकंड में भी मेल प्लस फीमेल का होता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक रहता है। या दोस्तों बाद में नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए कि डिफिकल्ट लेवल पेपर में क्या था, उसके बाद अगर इनको ओवरलैप कराना है या महिलाओं को मेल की सीट देनी तब तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट देना ये ठीक बात नहीं लग रही है, बच्चे इसको लेकर मामला ले जाएंगे। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, जिन बच्चों को एक बार नौकरी मिल गई, जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल गया, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। दिक्कत सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ है जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, ठीक है। तैयार रहेंगे दोस्तों सेकंड राउंड के लिए, तो सीटेट के लिए तैयारी रखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन अब किसी भी समय हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दिसंबर का पेपर ताबड़तोड़ तैयारी करनी, सीटेट का पेपर टू ये फोकस पर होगा, अगर पीआरटी में वैकेंसी आती है तो जिन बच्चों का पेपर वन भी नहीं क्लियर है उस पर भी फोकस करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।